धूम माफिया को बना दियो है यहां का दरबार का प्रशासन, उसके खिलाफ धनबाद और कानून से गोली मार देता धूम माफिया। पटनाधार में क्या है एक खौफनाक मंजर आप देख रहे हैं, जैसा खौफनाक मंजर अभी आप दरभंगा से देख रहे हैं, दरभंगा की जो खौफनाक मंजर है जहां डेड बॉडी को ठेला पर ले जाकर के लेकर के आगे बढ़ रहा है और दरभंगा को जाम किया जा रहा है, तो ये हम आपको दिखा रहे हैं और आप देखिए कि किस प्रकार से खौफनाक मंजर बनी है। तो आप इससे स्पष्ट आपको हो जाएगा कि यहाँ दरभंगा में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति को लेकर के दरभंगा में जो जाम करने का जो मंजर बना है, इस मंजर से आप लोग भी वाकिफ हो जाइए और लगातार कवरेज करके दिखाया जा रहा है कि वहां से जो मंजर बनी है, वहां से जो स्थिति बनी है। इसे अभी आज का जो ताजा खबर है जो हम आपको अपडेट कराएंगे वो पटना से भी आई है, जहां दिन दहाड़े 10 बजे गोली मार करके एक व्यापारी की हत्या कर दी गई है। तो आज वहीं दरभंगा में अभी कुछ देर पहले जहाँ कलेक्शन ऑफिसर था वो पैसा लेकर के आ रहे थे और रास्ते में उन्हें गोली मार दी गई है, तीन गोली मार दी गई है। तो ऐसे में खौफनाक मंजर जो बना है दरभंगा में, ये दरभंगा का जो स्थिति है, ये स्थिति आप समझ रहे होंगे कि दरभंगा ही नहीं अपितु पूरे बिहार में इस प्रकार की हालात है। और इसी हालात को दिखाने के लिए हम आपको दरभंगा से दिखा रहे हैं कि दरभंगा में आखिर इतने दिनों से जो लगातार अपराध की घटनाएं हैं, अपराध का जो ग्राफ है वो जो बढ़ता जा रहा था, उसी का आक्रोश यहां आज आपको दिख रहा है। जो मंजर, जो हालात बनी थी, उसी हालात को हम आपको दिखा रहे हैं दरभंगा से। और आप देख लीजिए कि यहां दरभंगा में किस प्रकार से ग्राफ किया गया है, लोग दुकानों को बंद करवाया जा रहा है, सारे जगह इस प्रकार से अलर्ट किया जा रहा है। वैसे हम आपको बता दें कि दरभंगा में जो DMCS से बॉडी लेकर के उनके परिजन और उनके साथ जो भी आक्रोशित लोग हैं, जो इस प्रकार के वारदात से प्रशासनिक व्यवस्था से जो हालात बनी है उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, अभी सीधा सीधा निकल रहे हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि दरभंगा में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति से आप लोग रूबरू हो जाइए कि जहां आए दिन अपराध की घटनाएं, मधुबनी हो, दरभंगा हो या बिहार के किसी भी जगह में ऐसी घटना होती है तो लोगों को परेशानी तो होती ही है, साथ में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर उंगली उठ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि दरभंगा में जो हालात बनी है उस हालात से आप लोग रूबरू होइए, जहां लोग लगातार इस बात को अपनी मांग रख रहे हैं कि जो दरभंगा की जो हालात है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वहां जो मंजर बनी है, इस प्रकार के हालात को सीधा सीधा जिम्मेदार वहां के प्रशासनिक व्यवस्था को ठहराया जा रहा है कि आखिर क्यों इतना खौफनाक मंजर देखने को लोगों को मिल रही है, लोग सुरक्षित आखिर कैसे होंगे, इन तमाम बातों को लेकर के अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो आप लोग फटाफट शेयर कीजिए, दोनों हाथों से शेयर करते जाइए, विभिन्न ग्रुपों में शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बिहार की दुर्दशा, मिथिलांचल की दुर्दशा, दरभंगा की दुर्दशा देख सके, ताकि बिहार की जो लगातार हालात है, जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री पर इस प्रकार से हमला हो सकते हैं, तो आम जनों पर कैसी होगी, इसका आप सीधा सीधा जीता जागता उदाहरण दरभंगा से और पटना से भी देख सकते हैं, जहां पटना को 10:30 बजे गोली मार करके एक व्यापारी की हत्या कर दी गई है, तो वहीं आज यहां कलेक्शन, जो पैसा कलेक्शन करने के लिए गए थे, उनकी हत्या कर दी गई है। तो ये तमाम तरह के मंजरे बिहार में किस प्रकार की इशारा कर रही है ये आप लोग समझ सकते हैं। वैसे तो हम आपको दिखा रहे हैं कि दरभंगा में जो हालात हुई है, जो मंजर बनी है, लोगों का जो गुस्सा है, ये गुस्सा आप लोग देख सकते हैं, लोग पूरा पूरी घेर दिए हैं और इस प्रकार के घेरने से लोगों में जो आक्रोश है वो आक्रोश सीधा सीधा आप लोगों की, यहाँ की जनसंख्या, यहाँ के लोगों की जो तादाद है, आक्रोश है, उससे आपको पता चल जाएगा। तो आप लोग फटाफट इसे शेयर कीजिए। गंभीर करने वाला दृश्य हम लोग उठा रहे हैं, माफ कर दे।